नमस्ते मॉमीज एंड डैडीज, मेरा नाम है आंचल। वेलकम टू मॉम टेल्स। इस चैनल में हम बात करते हैं बेबी केयर, मदरहुड, लाइफस्टाइल और बहुत सारी मॉमी टॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, गर्मियाँ आ गई हैं और साथ ही आ गए हैं बहुत सारे मच्छर। तो ऐसे में एज अ पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने छोटे से बेबी को कैसे मच्छरों से बचाएं। आज आपके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप और आपके छोटे बच्चे मच्छरों से मुक्त रहें। सबसे पहली चीज़ है जिससे आप बच्चे को मच्छरों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो है मस्किटो नेट। उससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। न्यू बॉर्न से एक साल तक के बच्चे आराम से मस्किटो नेट में सो जाते हैं। और अगर आप एक अच्छे ब्रांड का मॉस्किटो नेट लेते हैं जिसका फैब्रिक भी सॉफ्ट हो और जिसके साइड्स थोड़े से इतने स्टेबल हों कि कोई भी मच्छर अंदर ना घुस सके, बच्चे उसमें आराम से बैठ भी सकते हैं। मस्किटो नेट सबसे सेफ तरीका है बच्चे को मस्किटोज से बचाने का। बट अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो मस्किटो नेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो आप ऐसे में मस्किटो पैचेस भी यूज़ कर सकते हैं। आपको चिल्ड्रन फ्रेंडली मस्किटो पैचेस ही लेने हैं जो बच्चों के लिए सेफ हों। आप उन्हें ऐसे एरियाज़ में लगाएं जहां पर बच्चे का हाथ नहीं पहुंच सकता और वो पैच निकाल के मुंह में ना डाले। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिकमेंड मैं यही करूँगी कि मॉस्किटो पैचेस आप 3 महीने से ऊपर के बच्चे को ही लगाएं। इसके अलावा फैब्रिक रोल ऑन्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं। आप फैब्रिक के किसी भी एरिया में रोल ऑन लगा सकते हैं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि रोल ऑन ऐसी जगह पर ना हो कि जहां बच्चे का हाथ जाए और वो फिर मुंह में डाल ले। नेक्स्ट, मार्केट में बहुत सी चिल्ड्रन फ्रेंडली मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चे का जो भी एक्सपोज्ड एरिया है आपको वहाँ पे लगाना है, उससे भी मच्छरों से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। पर ध्यान आपको ये रखना है कि आप हथेलियों पे ना लगाएं क्योंकि बच्चे अक्सर हाथ को मुंह में ले लेते हैं। फिर चाहे पैचेस हो, रोल ऑन हो या मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स हो, आपको इनको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई भी क्रीम या रोल ऑन ये गारंटी नहीं देता कि ये बहुत ही लंबे टाइम तक इफ़ेक्टिव है। आपको इन्हें लगा लगा के रिपीट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, जो सबसे यूज़फुल टिप है वो ये है कि जैसे ही मच्छरों के आने का टाइम हो जाए, स्पेशली इवनिंग का टाइम, 5 बजे के बाद का टाइम, उसमें आप बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। ध्यान ये भी रखना है कि कपड़े ब्रीदेबल फैब्रिक के हों, सॉफ्ट हों, जिससे बच्चों को गर्मी ना लगे। बेशक हम उन्हें पूरे दिन शॉर्ट्स में रख लेते हैं, बट इवनिंग होते ही उनको फुल स्लीव की शर्ट और फुल स्लीव की पैजामाज आपको पहनानी है। उससे भी काफ़ी हद तक मच्छरों से बचाव हो जाएगा बच्चों का। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। मैं भी इवनिंग होते ही अपने बच्चे के कपड़े चेंज कर देती हूँ और उसे फुल स्लीव्स के पहना देती हूँ। अब ये तो बात हो गई कि आप बच्चों को मच्छरों से कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है। जैसे ही इवनिंग में 5 बजे का टाइम हो, सारे विंडोज़ डोर्स बंद कर दें जहाँ से मच्छर आ सकते हैं, या चाहें तो आप कोई भी मस्किटो कॉइल या आजकल मार्केट में इंसेंस स्टिक्स भी अवेलेबल हैं जो मच्छरों से प्रोटेक्ट करती हैं, आप उन्हें भी बाहर लगा सकते हो। बाहर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, बाहर के जो भी मच्छर होंगे अंदर नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा मच्छर जो होते हैं वो होते हैं बाथरूम में। आप कोशिश करिए कि आप अपने बाथरूम का डोर हमेशा बंद रखें और वहाँ के जो भी कॉर्नर्स हैं पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं। आप चाहें तो वहाँ भी मॉस्किटो कॉइल लगा के मच्छरों को भगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कपूर का यूज़ कर सकते हो अपने रूम में। कपूर को आप एक बोल ऑफ वाटर में डालिए और उसे रूम में रख दीजिए। उसकी फ्रेग्रेंस से मच्छर दूर भागते हैं। तो ये एक नेचुरल तरीका है जो आप अपना सकते हो। आप नीम के तेल का दिया जला सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप एक लेमन स्लाइस में कुछ क्लोव्स डाल के कॉर्नर्स में रख सकते हैं अपने घर के। सिट्रस की स्मेल से मच्छर नहीं आते। नेक्स्ट, आप यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ कर सकते हो, पेपरमिंट ऑयल यूज़ कर सकते हो। इन ऑयल्स को आप पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। ना सिर्फ मच्छरों से छुटकारा रहेगा, आपका रूम भी बहुत फ्रेश फील करेगा उसकी फ्रेग्रेंस से। इवन मार्केट बेस्ड मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स में भी यूकेलिप्टस ऑयल, लेमन ग्रास,
सिट्रस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इसे चिल्ड्रन फ्रेंडली भी बनाती हैं, इसलिए ये बच्चों के लिए सेफ़ है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप घर में कूलर यूज़ करते हो तो आपको उसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना है, क्योंकि उसमें भी मच्छर पनपते हैं। कूलर पे प्रॉपर चेक रखिए, रेगुलर बेसिस में उसे क्लीन करते रहिए ताकि कोई भी मच्छर उसमें आ ना पाए। अदरवाइज़ आप जानते हैं मच्छरों से कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, और बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए तो आप कितना परेशान हो जाएंगे। सो, इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सारी चीज़ों की तो बात की, बट प्लग इन रेपेलेंट्स की बात क्यों नहीं की। सी गाइज, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि उनकी जो फ्रेग्रेंस है उससे काफ़ी हद तक बच्चों को एलर्जी भी हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए वो रिकमेंड नहीं करूँगी मैं। बट अगर किसी भी चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा और आपको यूज़ करना ही पड़े, तो जब आप बच्चे को सुलाएं उससे एक डेढ़ घंटा पहले प्लग इन रेपेलेंट को आप लगा सकते हो। आप रूम बंद कर दीजिए, बच्चे के आने के थोड़ी देर पहले आप उसे स्विच ऑफ कीजिए, फ़ैन चलाइए, उसकी सारी फ्रेग्रेंस को दूर भगाइए, और फिर आप यूज़ कर सकते हो रूम, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस सीज़न बच्चों को मच्छरों से बिल्कुल बचाएं, ये सारी टिप्स को फॉलो करके। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पे भी हिट करें ताकि आप कोई भी मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।